हर रोज़ जब हम अपने घर से किसी काम के लिए निकलते हैं तो रास्ते में हम कई बातों को अनदेखा करते चलते हैं। जैसे किसी चौराहे या मोड़ पर खड़े होते ही कुछ गरीब बच्चों का हमारे पास आना, हमें थप थप कर उनका हमसे कुछ मांगने की कोशिश करना, कुछ पाने की लालसा में मासूम बच्चों का हमारी ओर लगातार ताकना, कभी गाड़ी के शीशे को कपड़े से पोंछते हुए उनका कुछ करतब दिखाना, कहीं जब हम कुछ खा रहे हों तो मासूम आंखों का हमारी ओर लालच से निहारना, लोगों का फेंका हुआ जूठन खाने के लिए जूझते ही नन्हे बच्चों की मेहनत, और अक्सर कूड़े में पड़ी खाली बोतलों को बेचकर अपने पेट की मरोड़ को शांत करने की इनकी नाकाम कोशिशों को, और अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन छोटे बच्चों का नशे की आगोश में खोए रहना, इनकी बीमारी, इनके शरीर में लगे चोट या बचपन छिन जाने का वो घाव जो इनके मन में कहीं ना कहीं लगा होगा। हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं इनका बचपन, और ये बच्चे भी अपना बचपन भूलकर समाज को राज भरी नज़रों से निहारते हैं, लेकिन बदले में हम इन्हें बेरुखी और झिड़कियों के अलावा कहाँ कुछ दे पाते हैं। और हम नज़रअंदाज कर जाते हैं इनकी पीठ पर उम्र से ज़्यादा वजन का लदे रहना और समाज से इनका कट जाना। लेकिन जिन नन्हे मुन्हों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं उन्हीं पर कुछ खास लोगों की नज़रें आकर रुक जाती हैं, जो न सिर्फ इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून रखते हैं बल्कि इसे साकार भी करते हैं। समाज के इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं थान सिंह। थान सिंह दिल्ली पुलिस में है और अपनी ड्यूटी में से समय निकाल कर इन गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। ये हमने 2016 में चालू किया था, ये पढ़ाना बच्चों को। मेरी यहाँ पर ड्यूटी है, यहाँ पर मेरी ड्यूटी है तो यहीं पर ये बच्चे इनके माँ बाप में काम करते हैं लाल किले के अंदर। हाँ, तो मेरा मेन मकसद ये था कि ये यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 4 ही बच्चे थे पढ़ने के लिए। बड़ा ही काफ़ी उनको उनके माँ बाप के पास जाते हैं, बड़ी काफ़ी वो करना पड़ा कि उनको भेजे। हमारा ये है कि उनके बच्चों को मैन मोटिवेट है मेरा उनको प्राथमिक शिक्षा देना। अगर प्राथमिक शिक्षा दे दी ना, बेसिक शिक्षा जो बच्चे के पास अगर हो जाए तो कम से कम बच्चा अपना उसमें कुछ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़े। इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि 3-4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। एक अगर बच्चा जो कंटिन्यू 3-4 साल से हमारे पास आ रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता पूरे दिन मेहनत करके इनके लिए कल तलाशते हैं, लेकिन गरीबी में जीने को मजबूर इन मासूमों को भी काम में अपने अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता है। किसी के माँ बाप दिहाड़ी मजदूर हैं तो कोई मांग कर गुजारा करने को मजबूर, और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। यहाँ पर ये बच्चे थे सारे छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे इसमें जैसे गुटका वगैरह खाना, तो ये खाना तो सब इन बच्चों से आप किसी से पूछे वो कौन खाता कौन नहीं खाता, सब ने इन चीज़ों से सब अपना खत्म कर दिया। अब इतने खुश हो गए सारे सर कि आज हमने जूस खाया था और हमने बंद कर दिया, तो यानी कि इतने अच्छे बच्चे होते जा रहे हैं अपने आप सब चीज़ उन्होंने गंदी आप छोड़ दी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 स्थान पर है। सड़क के किनारे या झोपड़ियों में रहने को मजबूर ये बच्चे अक्सर भुखमरी, बाल मजदूरी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, रेप, नशा और गलत आदतों की चपेट में आ जाते हैं। बिना छत और किसी के आश्रय के जी रहे इन बच्चों के पास ना कोई बुनियादी शिक्षा है, न ही सरकार की नीतियां ही इन तक सही मायनों में पहुंच पाती हैं।
हाँ, कई एनजीओ या संस्थाएं हैं जो इन बच्चों के लिए आगे आती हैं, लेकिन इनके प्रयासों के परे भी सैकड़ों बच्चे इस मदद से अछूते रह जाते हैं। ये बच्चे, मैं चाहता हूँ बच्चे क्राइम वाले जगहों पर गलत संगत में ना पड़ सके, जो लड़कियां लड़कियां अपना भविष्य सुधार सके, बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान हो सके हर चीज के, हम हर चीज के लिए नॉलेज दे रहे हैं बच्चे को, ताकि लड़कियों को भी पता चल सके कोई गलत चीज, बुरा बुरी चीज क्या है, इन चीजों का हम फर्क अंतर बता रहे हैं। और हम इनके इनके बीच में जाते हैं ना, हम छोटे गरीब लोगों के बीच में जाके हम अपनी जो छवि है ना उसको और अलग से पेश करना चाह रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल और चौक चौराहे, मेट्रो या रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत आपको कई ऐसे बच्चे नज़र आएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक गलत संगत की वजह से उनका बचपन अब बचपन जैसे नहीं रहा। और इन्हीं जगहों पर कुछ सामान बेचते, करतब करते या काम की तलाश करते कई ऐसे बच्चे भी नज़र आते हैं जो शायद अपने परिवार के मुखिया हों। इनके पास कोई नहीं है जो इन्हें बताए सही और गलत के बीच का फासला, या इन्हें डांट कर सही दिशा देने वाला। लेकिन अब वक्त आ गया है इस बदलाव की नींव को रखने का, जिसके लिए हम सभी को किसी बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, किसी मासूम की ज़िंदगी बचाने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा आपको कहीं दिखे जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है तो आगे आएं। बच्चों की मदद से संबंधित एनजीओ या विभाग को खबर करिए, आपकी एक छोटी सी पहल इन बच्चों की ज़िंदगी संवार सकती है। TV9 भारतवर्ष थान सिंह और उन जैसे उन तमाम लोगों के जज्बे को सलाम करती है जो इन गरीब बच्चों के लिए वो कर रहे हैं जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं।